दामनी? ये दामनी कौन है? अरे दिमाग की डॉक्टर है भाई साहब, हमें कैसी सहेलियां बना रखी है इसने, तोड़ते ही बकवास बंद कर, जब बात पता नहीं होती तब बीच में बोला मत कर। अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ पर बैठे बैठे तन्ने को नहीं चैन पड़े, बैठे बैठे तन्ने को चैन को नहीं पड़े। मैंने फोन करके बोले बेला को ले जा, मैंने फोन करके बोलती कि बेला को ले जा, पर जब यहाँ पर हम आ गए तो बोलते रंगीले बेला रह को नहीं सकते। अरे तू चावे के है, मारे खानदान की इज्जत उछाल के एक बार चैन को नहीं पड़ा ना इसके कलेजे को। अश्विन क्या समझाया था मन्ने थारे को, छोरी को ज्यादा सर पे को नहीं चढ़ा, पर थारे को तो माँ की बात चुभे है ना। जब देखो विधिता 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 की पंचायत करे था, अब सुन लिया अपनी विधिता के कारनामे, हाँ अब कर ले पंचायत, देख लिया नतीजा अपने लाड़ का। अश्विन ने बोला विधि ये रिश्ता किसी ने थारे पर थोपी नहीं, तूने अपनी मर्जी से हाँ की थी, अब पुष्कर बना ने आज तक शिकायत का एक कोनी मौका दिया, अरे क्यों अपने घर गृहस्थी को उजाड़ रही है तू, क्यों बता ना क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जीजू, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ पुष्कर जी के लिए कर रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए वो सच में बीमार है, वो मुझे मुझे बहुत बड़ी मानसिक प्रॉब्लम है, ये सारी दवाइयाँ ही मैं उन्हें दे रही थी और मैंने इतने दिन तक आप सबसे ये छुपाया क्योंकि मैं अपने पति को किसी की नजर में नहीं झुकाना चाहती थी। तुम्हारे हिसाब से उसका बोलना पागल है और तने दिख रहा है, हम लोग तो दिख को नहीं रहा कुछ है ना, अंतर्यामी है तू विदिता, थारा वहम है वहम, और जितनी जल्दी इस वहम से बाहर आ जाए ना थारे और हम सबके वास्ते बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे लिए घर बैठे बिठाए बड़े आसानी से इतने बड़े घर का रिश्ता जो आ गया ना, तो थारे को इस रिश्ते की कदर को नहीं छोड़ी, उम्र के तजुर्बे से जे गुड्डे गुड़िया का खेल छोड़ नहीं तो सारी जिंदगी बैठ के पछताएगी।